अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे तेज़ी से ग्रोथ करें और लश ग्रीन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालें और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो, और जनाब हमने जो सब्ज़ियों वाले पौधे लगाए हुए हैं इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो ताकि हम जल्दी जल्दी इनसे सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट कर सकें, अगर आप दोस्त भी यही ख्वाहिश रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो ये है दोस्तों वो फर्टिलाइज़र जो आपके इस ख्वाब को पूरा करेगा, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। ये दो फर्टिलाइज़र का कम्बिनेशन है, दो फर्टिलाइज़र को मिलाकर ये एक फर्टिलाइज़र तैयार किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से तैयार किया है, लेकिन आप मेरे पौधों की ग्रोथ माशाल्लाह देख लें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, और ये बेलें ऊपर जाली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भी पौधे छोटे छोटे हैं, इनको भी मैं अप्लाई करूँगा ताकि इनकी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़े। यहाँ पर मेरे आप खीरे के पौधे देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये सारा इस फर्टिलाइज़र का कमाल है। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों जो मैं खुद ही यूज़ कर चुका होता हूं और उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तब ही मैं आपको वो चीज़ बताता हूं। ऐसे ही मैं उठाकर आपको चीज़ें नहीं बताने लग जाता, पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूं, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, फिर मैं आप दोस्तों को वो चीज़ बताता हूं। तो चलें दोस्तों अब शुरू करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसको हमने कैसे बनाना है। तो चलें दोस्तों बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। ये फर्टिलाइज़र इस टाइम तैयार पड़ा हुआ है मेरे पास और ये बनाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई पता नहीं साइंटिस्ट है जो इतनी इतनी चीज़ें लेके बैठ गया, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं गार्डनिंग का साइंटिस्ट हूँ। तो चलें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने एक गिलास लेना है पानी, एक नहीं सॉरी हाफ गिलास आपने पानी का ले लेना है। ये क्या चीज़ है? ये है जी ओनियन पील्स का फर्टिलाइज़र, जो कि मैं हर टाइम अपने पास रखता हूँ। फुली नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र होता है और दोस्तों इसके अंदर जो न्यूटन्स मौजूद हैं वो हमारे पौधों को इतनी सपोर्ट करते हैं और इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि मैंने इसको यूज़ जब करना स्टार्ट किया तो मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया कि ये क्या चीज़ है। ये गाय के गोबर को भी क्रॉस कर चुका है। प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है दोस्तों कि ये आपके पौधे में बिजली जैसी तेज़ी पैदा कर देता है, बिजली की तरह आपके पौधों को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आपने ये प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो फर्टिलाइज़र है ये है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम किस चीज़ का है दोस्तों? ये है बनाना पील्स का बायो एंजाइम। इसको बनाने का तरीकाकार पहले मुकम्मल समझ लेते हैं कि इसको मैंने बनाया कैसे। आज से करीब 3 से 4 मंथ पहले मैंने एक बोतल के अंदर बनाना के पील्स लिए, केले के छिलके मैंने छोटे छोटे से काट कर एक बोतल के अंदर डाल दिए और उसको पानी के साथ फिल कर दिया, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया। गुड़ ऐड करने के साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा भी ऐड की, जो कि आप दोस्तों को अंदर नज़र आ रही होगी। एलोवेरा, बनाना और जनाब इसके अंदर गुड़ और पानी, ये तीन चीज़ें मैंने मिला कर इसको रख दिया। और डेली मैं इसके अंदर से गैस खारिज करता था। जब भी आप कोई बायो एंजाइम बनाने के लिए रख देते हैं उसमें से गैस खारिज होती रहती है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी गैस खारिज करते रहें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका बायो एंजाइम रेडी हो जाता है। जब गैस अंदर होती है तब ये बोतल प्रेस नहीं होती, तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर गैस है। शुरू वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तब आपको ज़्यादा इसकी गैस निकालनी पड़ती है, लेकिन जब इसकी गैस बनना बंद हो जाए तब आप समझ जाएं कि आपका बायो एंजाइम तैयार है। बायो एंजाइम आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो कीड़े वगैरह भी नहीं आएंगे, और जनाब आप इसको मिट्टी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीका से बायो एंजाइम बनाया जाता है। तो ये है जी बायो एंजाइम, इसका आपने यूज़ कम करना है। इसका यूज़ हम कितना करेंगे? सिर्फ इतना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस ये देख लें कितना इसके अंदर बायो एंजाइम था और मैंने इसमें से कितना लिया। ये अब एक ग्लास फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है। आप देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था इसका कलर डार्क है, तो इसका कलर डार्क इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बनाना पील्स ज़्यादा चले गए हैं, ये नीचे बैठे हुए हैं, इसके अंदर बनाना पील्स कम गए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने बोतल के अंदर से डाला था और ये मैंने ग्लास के अंदर से डाला है। ये फर्टिलाइज़र आप दोस्तों ने बनाना है और जनाब आपने इनको पौधों के अंदर अप्लाई करना। चले हम अप्लाई करते हैं और फिर आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखें तो मेरे मिर्च की पनीरी तैयार हो चुकी है। ये हरी मिर्च है जो घर पर ही मैंने देसी मिर्च के साथ तैयार की हुई है। अब इसकी हमने ग्रोथ करवानी है बहुत तेज़ी से, तो इसके अंदर हम इसका थोड़ा सा यूज़ कर देते हैं, इतना सा यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। अब ये पनीरी दिनों के अंदर रेडी होगी और इतनी अच्छी ग्रोथ करेगी
और हमें भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलें अब दूसरे पौधों पर ट्राई करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा बीज जर्मिनेट कर चुके हैं। इसमें काली तोरी के बीज हैं, इसके अलावा इसके अंदर खीरे के बीज हैं, बैंगन के बीज जर्मिनेट हो चुके हैं, टमाटर के बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पनीरी जल्दी जल्दी से बड़ी हो ताकि मैं इसको शिफ्ट कर सकूँ। तो इसके अंदर मैं ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र है, आप इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जब देखेंगे तो आप दोस्त सोचेंगे कि यार क्या चीज़ भाई ने बता दी हुई है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हम छोटे पौधों को ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ये हम बड़े पौधों को भी दे सकते हैं। बायोएंजाइम अंदर ऐड करने का मकसद हमारा ये था कि नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस और पोटाशियम भी पौधों को मिल जाए। बायोएंजाइम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रंस मौजूद होते हैं, तो वो सारे न्यूट्रंस हम अपने पौधों को देना चाह रहे हैं। इस वजह से हमने इन दोनों को डिल्यूट करके और एक हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये बड़े पौधों को भी दे सकते हैं, छोटे पौधों को भी दे सकते हैं, नो इशू। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।